रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूँ आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का में आप सभी का स्वागत है। आज किस्सा राजनीति का में हम आपसे जिस किस्से के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो किस्सा सालों पुराना या महीनों पुराना नहीं है, वो किस्सा हाल फिलहाल का है। एक ऐसा किस्सा है जिससे जुड़े कई तरह के सवाल हैं। हम आपसे चर्चा हार्दिक पटेल पर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस कोस कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर कर के चर्चा में आए हार्दिक पटेल अपनी राजनीति को मजबूत पीएम मोदी के खिलाफ जाकर ही करते हैं और आज पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी को हार्दिक पटेल ने छोड़ दिया है। कांग्रेस हाईकमान पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हार्दिक करीब 11 से 12 सवाल हैं जो सोनिया गांधी पर उठाते हैं, कांग्रेस हाईकमान पर उठाते हैं, राहुल गांधी पर उठाते हैं और उसके बाद अपना इस्तीफा सार्वजनिक कर देते हैं। हार्दिक पटेल के इस्तीफे ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है, क्योंकि आप सब जानते हैं पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए हार्दिक कांग्रेस के लिए क्या मायने रखते रहे। लेकिन अब क्योंकि हार्दिक बेवफा हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं, कांग्रेस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है और हार्दिक भारतीय जनता पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हार्दिक पटेल से एक रीसेंट इंटरव्यू में सवाल किया गया कांग्रेस के चिंतन शिविर पर। उदयपुर में हुए 3 दिन के चिंतन शिविर से सबसे ज्यादा सुर्खियां सचिन पायलट ने बटोरी थी। ये कहा जा रहा था कि इस चिंतन शिविर में सचिन पायलट की भूमिका पर विचार किया गया है। सचिन को लेकर कांग्रेस के पास क्या प्लान ए बी सी और डी है, उस प्लान पर विचार किया गया है। अब इस चिंतन शिविर पर हार्दिक पटेल ने निशाना साधा है और कह दिया है कि कांग्रेस को चिंतन नहीं चिंता करने की जरूरत है। और तो और हार्दिक पटेल से यह भी सवाल किया गया कि आप पीएम मोदी को कोस कोस कर ही गुजरात का इतना बड़ा नाम बने हैं और अब भाजपा में ही शामिल होने जा रहे हैं। हार्दिक ने कहा, मेरे भाजपा में शामिल होने की रणनीति तय नहीं है। फिर हार्दिक से यह सवाल किया गया, तो क्या आम आदमी पार्टी में आप जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में आप भी मजबूत होती जा रही है, अपने पांव पसार रही है। तो हार्दिक ने कहा, आप यही समझ लीजिए कि मैं जो हूं वो भाजपा में जा रहा हूं। हार्दिक पटेल का इंटरव्यू है एक जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हार्दिक की बगावत से कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है, हार्दिक पटेल के भाजपाई हो जाने के कितने प्रतिशत आसार यहां नजर आ रहे हैं, तमाम जानकारियां हैं हार्दिक पटेल से जुड़ी हुई जो हम आपको अपनी खास रिपोर्ट के जरिए देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को सुनिए, समझिए, क्योंकि हार्दिक पटेल का अगला मूव क्या होने वाला है, हार्दिक पटेल की अगली रणनीति क्या होने वाली है, उस रणनीति को आप आसान भाषा में तभी समझ पाएंगे। कांग्रेस को छोड़कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं को बैकफुट पर लाने की तैयारी हार्दिक पटेल ने किस तरह से की है, सुनिए जरा। गुजरात के दिग्गज पाटीदार नेता हार्दिक पटेल इन दिनों कांग्रेस से इस्तीफे को लेकर लगातार सुर्खियों में है। हार्दिक पटेल के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं और इस बीच हार्दिक पटेल ने एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर तक पर खुलकर बातचीत की है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ राजस्थान में, जिसमें सचिन पायलट की बगावत पर मुद्दा बनाया गया, इसका समाधान निकालने की कोशिश की गई। हार्दिक पटेल ने इन तमाम सवालों पर जवाब दिए हैं और अपनी तीखी प्रतिक्रिया सामने रखी है। कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए हार्दिक ने कहा, कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता इस्तीफा दे रहे हैं, आज उन्हें चिंतन नहीं चिंता करने की जरूरत है। हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। जब हार्दिक से सवाल किया गया, क्या आप भाजपा में जा रहे हैं, हार्दिक ने गोल गोल जवाब देने की कोशिश की। आगे जब हार्दिक से सवाल किया गया, आप कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, हार्दिक ने कहा, जनता के हित में आगे जो होगा उसे देखते हुए फैसला लिया जाएगा,
अगर आप इतना ही जोर डाल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं। हार्दिक पर आरोप लगता रहा कि वो एक अवसरवादी नेता हैं। हार्दिक से ये कहा गया कि आपकी राजनीति भाजपा को कोस कोस कर आगे बढ़ी है और आज आप दोबारा उसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए यमराज, झूठे जनरल डायर और 56 इंच का सीना नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हार्दिक ने साफ कह दिया कि वो अवसरवादी नहीं है। हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमेशा राजनीति की है। हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी के खिलाफ हमेशा बयानबाजी की है और आज वही हार्दिक पटेल हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें, हार्दिक जो हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को लेकर ही चर्चा में नहीं है, बल्कि फिलहाल हार्दिक पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। पाटीदार आंदोलन के चलते रातों रात सुर्खियां बटोर चुके हार्दिक पटेल पर उनके सहयोगी रहे भावेश सोमानी ने आरोप लगाया है। भावेश सोमानी का कहना है कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया पर जो चप्पल फेंकी थी वो हार्दिक पटेल के कहने पर ही फेंकी थी। भावेश सोमानी ने हार्दिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा, साल 2017 में गरियाधर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए टिकट देने के लिए हार्दिक ने 23 लाख रुपए की रिश्वत ली। 10 लाख रुपए उनके पिता भरत भाई को उनके अहमदाबाद के फ्लैट में दिए और बाकी का भुगतान अंगदिया सर्विसेज के माध्यम से दो किश्तों में किया। हार्दिक जहां कई तरह के आरोपों से घिरे हैं तो वहीं एक समय की सहयोगी वंदना पटेल उनके समर्थन में आई हैं। उन्होंने पाटीदारों और पास कार्यकर्ताओं से हार्दिक पटेल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना बंद करने की अपील की है। वंदना पटेल ने आदिवासी समुदाय के शासन का हवाला दिया और कहा, कोई भी नेता अपनों पर आरोप नहीं लगाता। अश्विन कोटावल और केवल जोशियारा भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन आदिवासी समुदाय ने उनकी आलोचना नहीं की, इसलिए हमें भी हार्दिक पटेल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हार्दिक पटेल चारों तरफ से सवालों में घिरे हैं। हार्दिक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हार्दिक के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पास संयोजक और भाजपा नेता वरुण पटेल का कहना है, एक बार जब कोई पाटीदार नेता राजनीति में शामिल हो जाता है तो ऐसे आरोप सामने आते रहते हैं। इसे निराधार या सच कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, जहां धुआं है वहां आग तो होगी ही। हार्दिक पटेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे पिता हमेशा मेरे कांग्रेसी होने के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हूँ। हार्दिक पटेल की जिंदगी का ये जो पल है वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अहम है। हार्दिक कांग्रेस पार्टी से रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। तो देखा आपने किस तरह से आज हार्दिक पटेल दबी जुबा में गोल गोल बात घुमाकर कह रहे हैं कि भाजपा में जाएंगे, लेकिन सच यही है कि हार्दिक पटेल भाजपा में जाने की तैयारी कर चुके हैं। उनकी ताजपोशी जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हार्दिक पटेल के बाद अब राजनीतिक विशेषज्ञों को सचिन पायलट भी कांग्रेस से छूटते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिन हालातों में हार्दिक कांग्रेस से बाहर हो गए हैं, उन्हीं हालातों में सचिन पायलट भी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। अब विश्लेषकों की भविष्यवाणी कितनी सच होती है, कांग्रेस उससे पहले क्या कुछ करती है, हार्दिक के इस्तीफे से सबक लेकर सचिन के लिए क्या कदम उठाती है, आगे आने वाले वक्त में देखना होगा। आज के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। हार्दिक पटेल से जुड़े तमाम किस्से थे जो हमने आपको सुनाए। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक इस मुद्दे पर अपनी राय नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।